वेलकम बैक बड़े गुरु, मैं आपका विकास अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीमीडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आप तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको लाइक अच्छी लगे, और वीडियो को शेयर कर दें जिससे जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो इनको वीडियो को देख के काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए बात करते हैं किस प्रकार का मल्टीमीडिया आपका ओ लेवल का सिलेबस है और किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे आपके। तो कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें, तो इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया जो आपका 8 घंटे का कोर्स है, उसके बाद आपका कंप्यूटर फॉन्ट एंड हाइपरटेक्स्ट, काफ़ी सिंपल पेपर है, मैंने लेकिन आपको रिकमेंडेड नहीं किया है, मैंने आपको ICT लेने को कहा, लेकिन जो लोग ले रहे हैं इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऑडियो वीडियो फंडामेंटल है, इमेज फंडामेंटल है, रिप्रेजेंटेशन 10 घंटे का कोर्स है, उसके बाद वीडियो एंड एनिमेशन है और मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स हैं आपके। तो इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं, तो काफ़ी ये टॉपिक नहीं है, 6 टॉपिक हैं और इनके जो अंदर के कंटेंट हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और टोटल आपका थ्योरी का बेस्ड पेपर है ये, तो उसको ज़्यादा कोई डिटेल में आपको जाना नहीं है, बेसिक स्तर का नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको बनते हैं और लास्ट में आपको वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताएंगे तो उसको आप नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चैप्टर नंबर है इसमें हमारा है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये आपका 8 घंटे का है, इसमें हमारा क्या क्या रहेगा, व्हाट इज मल्टीमीडिया, इसमें क्या है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट यानी उसके पार्ट जो हो गए मल्टीमीडिया के, जितनी डिवाइसेस होती है मल्टीमीडिया की, आपके स्पीकर हो गया, ऑडियो डिवाइस हो गई, सारे मल्टीमीडिया पॉइंट जितने भी आपके डिवाइसेस हो गए वो उनके बारे में आपका होगा। वेब एंड इंटरनेट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यानी इंटरनेट में जो मल्टीमीडिया जैसे यूट्यूब वगैरह हो गई, या कोई गाने वगैरह सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो या कोई ग्राफिक यूज़ करते हैं इंटरनेट पे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको आ गई, फ्लैश चीज़ें आ गई, ट्रांजिशन फॉर कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया, उसके बाद है। तो ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन मल्टीमीडिया में, आपके इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं जैसे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया स्क्रीन पे, तो उसको आप देख लें। उसके बाद है कंप्यूटर फॉन्ट एंड हाइपर टेक्स्ट, ये आपका 10 घंटे का कोर्स है, चैप्टर नंबर सेकंड, इसमें से आपका यूसेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया यानी कि जो टेक्स्ट आप यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया में उसका क्या यूज़ है, फैमिली एंड फेसेस ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फॉन्ट होते हैं, उसके नाम, आउटलाइन फॉन्ट हो गया, बिटमैप फॉन्ट हो गया, JPG फॉन्ट, जो भी आपके फॉन्ट होते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी और उनकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, उसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटरनेशनल करेक्टर सेट्स एंड हाइपर टेक्स्ट डिजिटल फॉन्ट एंड टेक्निक, तो इंटरनेशनल करेक्टर सेट आपका क्या है, हाइपर टेक्स्ट डिजिटल टेक्निक्स आपके क्या है, तो लगभग आपका जो मल्टीमीडिया का टॉपिक है इसी के, उसमें कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, बोल्ड हो गया, टैलिक, अंडरलाइन, ये जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड, ग्राफिक्स रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर होती हैं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर थर्ड पे, जिसमें आपका ऑडियो एंड फंडामेंटल है, तो इसमें आपके जितने भी ऑडियो की फाइल होती हैं जैसे कि आपके MP3, MP4, जितने भी आपके वेव मिड, जितनी भी आपकी सारी आपकी फाइल होती हैं वो उनके बारे में, उनके बैट में, उनके डेसिमल डेटा, उसका डेटा रेट क्या है, हाई रेट ऑडियो फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताने देंगे कि कितने बेस है, कितना ट्रेबल है, ये सारी चीज़ें, और उसका कितना किलो हर्ट्ज पर चल रही है, 120 की है, 128 है, 320 है, जाके इसके पार्ट होते हैं आपके अलग अलग, आपने देखा होगा जब कोई ऑडियो डाउनलोड करते हैं तो वो चीज़ें हैं इसमें आपकी, ऑडियो के मिक्स करना, कटिंग करना, साउंड सिंथेसिस, मिडी फाइल, वेव फाइल आपकी हो गई, कंप्रेस करना उसको, ट्रांसमिशन ऑडियो एंड इंटरनेट में, ऑडियो का ऐड करना, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ऑडियो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज़ करना, तो ये बेसिक इसमें आपको पढ़ना है, बहुत ही सिंपल से हैं, इन सब की मैं क्लास लगाऊंगा हिंदी में, और इनके जो इनके नोट्स होंगे इंग्लिश में वो आपको PDF वेबसाइट पर techguru.mobi पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपका इमेज के बारे में पढ़ना है, तो इसमें बेसिकली आपको यही 4-5 चैप्टर हैं, एक आपका इमेज का हो गया, ऑडियो का हो गया, वीडियो का हो गया, और ग्राफिक्स और फॉन्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद इसमें कलर आ गया सारे इमेज में आपके, कलर स्कीम क्या होता है, RGB कलर है, जितने भी कलर मॉडल हैं आपके वो इसमें हो गया, प्लेटर डिथरिंग टूल्स हो गया, 2D 3D इमेजेस हो गया इसमें, कंप्रेस करना इमेज को, बड़ी साइज है उसका, फाइल फॉर्मेट यानी कि JPG JPG ये सारे, PNG ये सारी फाइल आपको पता होना चाहिए, इन सब के आपको नोट्स मिलेंगे। इमेज प्रोसेसिंग आपकी क्या है, जैसे कैन कैन यूज़ फोटोशॉप, यूट्यूब फोटोशॉप में यूज़ ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और वाइट बैलेंस आपका क्या है, ब्लैक एंड वाइट क्या है, उसके बारे में, कल करेक्शन है, गामा करेक्शन हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गामा करेक्शन और डायनेमिक रेंज करेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए।
तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि इमेज फाइल फॉर्मेट से, यानी कि इमेज फंडामेंटल से, वीडियो फंडामेंटल और ऑडियो, ये तीन आपके मल्टीमीडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं अगर आपको मल्टीमीडिया का पास करना है एक ही बार में। उसके बाद हमारे पास वीडियो फॉर्मेट, तो मैंने आपको बताया, तो इसमें वीडियो के बेसिक्स, हाउ वीडियो वर्क किस प्रकार करती है, ब्रॉडकास्ट यानी कि लाइव वगैरह करते हैं तो उसके लिए वीडियो बफरिंग वगैरह, एनालॉगिंग और डिजिटल वीडियो क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से क्या है, उसके जो फॉर्मेट होते हैं, शूटिंग करते हैं आप, एडिटिंग करते हैं, यूज ऑफ एडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वीडियो को कंप्रेस करना, उसके फाइल फॉर्मेट हो गया, वीडियो को कंप्रेस बेस्ड ऑन मोशन, और वीडियो के फाइल यहाँ पे देखिए MPG 1, MPG 2, MPG 4, MPG 7, MPG 21, और एनिमेशन सेल यहाँ पे क्या है, और कंप्यूटर एनिमेशन एंड मॉर्पिंग टूल। तो ये सारे आपके वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, वीडियो से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, इतने ही आपके टॉपिक हैं इसमें, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स है, जो कि मल्टीमीडिया को ऑथरिंग करता है, या माइक्रोमीडिया डायरेक्टर यानी फ्लैश, यानी कि फ्लैश फाइलों को यूज करने में इसका काम है ऑथरिंग करना, यानी कि जैसे कंपाइल करना होता है आपका प्रोग्राम में, उसी प्रकार से इसको ऑथरिंग करना, डीथरिंग करना उसको कहते हैं। तो इसमें एक बात है मिक्सिंग वगैरह करना फ्लैश वगैरह को, ये आपका मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ्लैश वगैरह फ्लैश फाइलें बनाते हैं। आगे चलते हैं, तो इसमें आपको जो बुकें मिलती हैं, जो रिकमेंडेड हैं बुक एनएलटी की तरफ से, वो आप इसमें दे सकते हैं, ते वागुन मल्टीमीडिया मार्केट वर्क एम सी ग्रिल की 2008 की, उसके बाद है रजनीश अग्रवाल 2017 डेली की, ली एंड्रयू फंडामेंटल मल्टीमीडिया पर्सन, ये आप मेन रीडिंग के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको थ्योरी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए बुक जरूर परचेज करें, जो उसने बुक दी है बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है, आप चाहते हैं तो इसमें से एम सी ग्रिल की बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद है इसमें पारेख पारेख रंजन की पब्लिक से एम सी ग्रिल की, काफ़ी बुक अच्छी है ये, अगर आपको पढ़ना ही है, डिटेल में जानना है इसके बारे में, तो ये आप बुक परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बुक हो गई और ये नोट्स हो गए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं, तो आपको ले चलते हैं, अब ये इसको देखते रहें, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, और अलग से क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 और 10 नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 2, 3, 5 वाले में कम से कम 8 से 10 लाइनें लिखनी है, और 5 से ऊपर का नंबर क्वेश्चन तो 1 पेज से 1.5 पेज आपको आंसर लिखना है। और कुछ क्वेश्चन आप और नोट कर लें, जैसे कि फ्लिकर क्या है, एंटी एलाइसिंग क्या है, डीथरिंग टूल्स क्या है, ट्विनिंग क्या है, ऑथरिंग सिस्टम क्या है, जेपीजी कंप्रेशन, रिवोल्यूशन, 2D 3D एनिमेशन, लॉसी एंड लॉसनेस टेक्निक, सेल एनिमेशन, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, बीएमपी, साउंड कार्ड आपका क्या है, वीडियो कैप्चर डिवाइसेस क्या है, स्कैनर आपका हो गया इसमें, एमपीजी, पैथ एनिमेशन, मॉर्फिंग टूल, और लॉन्ग की बात करें तो 5, 6, 7, 8, इसमें 2 से 2.5 पेज आपको लिखने हैं। तो इसमें आपका आएगा एक्सप्लेन डायनेमिक रेंज ऑफ गामा करेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कोडेक आपका क्या है, जो कि आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट में यूज होता है, एक्सप्लेन हाउ टू कोडेक फंक्शन, एंड व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ टिपिकल साउंड कार्ड, एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी कि संक्षेप में इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको 2 पेज का आंसर है कम से कम। तो टिपिकली कंटेंट ऑफ साउंड कार्ड जो आपका होता है, साउंड डिवाइस होती है, ड्राइवर होते हैं, वो आपका क्या है और बेसिकली वो किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन, वीडियो कंप्रेशन के फॉर्मेट क्या है, तो वीडियो कंप्रेशन जितने भी आपके वीडियो के फॉर्मेट है उनको कंप्रेस करना, वो आपको इसमें लिखना है। एक्सप्लेन द डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी मल्टीमीडिया का एजुकेशन में क्या तात्पर्य है और क्या बेनिफिट है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है मल्टीमीडिया के एजुकेशन में, वो आपको इसमें बताना है। तो टॉपिक नंबर 1 पे चलते हैं, जिसमें आपका जो टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, तो ये आपका मल्टीमीडिया का पेपर सेट है, टॉपिक है इसमें सारे आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है डिस्क्रिप्शन वाले मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी सोल्यूशन करवाए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर की वीडियो देखें उससे कर सकते हैं, और बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो काफ़ी कम समय, अगर इन टॉपिक को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो आपको 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया में, तो इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया का है, तो मल्टीमीडिया के बारे में आपको बताना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन डेफिनेशन टू मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया के बारे में एक्सप्लेन करना है, मल्टीमीडिया किस प्रकार से कार्य करती है और क्या क्या इसमें आते हैं, जैसे कि आपका ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, 2D 3D, सारी चीज़ें आपके मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी इसको अपनी तरफ से अपनी भाषा में बना के लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें यही है, डेफिनेशन यानी कि व्हाट इज मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया हाउ टू वर्क, इस प्रकार से कुछ भी इसमें आप कह सकते हैं। दूसरा इसमें आपका आता है डिजिटल मीडिया, यहीं से पूरा है ये टॉपिक आपका, डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया एंड इंटरनेट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, तो ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया के टॉपिक में आता है।
तो इसमें आपको डिजिटल मीडिया के बारे में बताना चाहिए, डिजिटल मीडिया आपका क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, वेब मीडिया आपका क्या है, यानी कि डिजिटल मीडिया आपका जो आप जैसे कि गैजेट वगैरह यूज़ करते हैं उसमें जो फाइलें यूज़ करते हैं, ऑडियो वीडियो उनकी फाइलें होती हैं वो हो गया, वेब मीडिया जो आपको इंटरनेट में आप मल्टी मीडिया यूज़ करते हैं वो उसकी फाइलें हो गई, उसके बाद इंटरनेट मल्टी मीडिया है वो अलग हो गया, इंटरनेट मल्टी मीडिया एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं जैसे कि ऑनलाइन अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मल्टी मीडिया की चैटिंग के लिए या वीडियो कॉलिंग के लिए इस प्रकार की, तो वो आपके इंटरनेट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंतर्गत आती है, कई तरह के प्रोग्राम उसमें होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वही चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। बेसिकली आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इसमें नहीं लिखना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग में भी मिलते हैं और शॉर्ट में यानी कि 3 नंबर से 5 नंबर में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली टॉपिक नंबर 1 में हमारा यही है, मल्टीमीडिया का आपको डिस्क्रिप्शन आपको बताना चाहिए, मल्टीमीडिया बेसिकली है क्या, वो भी इंटरनेट के माध्यम में क्या है और आपका डिजिटल माध्यम में क्या है। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 1। सेकंड टॉपिक में चलते हैं जो इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 2 में आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा लेकिन मैंने आपको बता दिया है अगर इस पे क्वेश्चन आ सकता है बाय द वे कभी कभार। तो इसमें आपका है कंप्यूटर फॉन्ट्स के बारे में, हाइपर टेक्स्ट फॉन्ट और करेक्टर सेट। तो इसमें आपका जो फॉन्ट हो गए, सिंबल हो गए, जो आपके यूज होते हैं बेसिकली मल्टीमीडिया में, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो बेसिकली कंप्यूटर फॉन्ट पे क्वेश्चन है, तो आपको कोई फॉन्ट का नाम दिया जा सकता है, उस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके फेमस फॉन्ट है आप उनको पढ़ सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फॉन्ट मिल जाएंगी। तो हो सकता है किसी का नाम आपको दे दें तो आपको एक दो नाम फेमस जो नाम है जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हर टेक्स्ट में उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो वही इसमें है। दूसरा नंबर टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, 50-50 कर सकते हैं इसको, ज़्यादा अगर इसको आप ध्यान भी ना देंगे, अगर इसको आप हटा भी देते हैं निगलेक्ट भी कर देते हैं तब भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। वैसे मल्टीमीडिया काफ़ी कम स्टूडेंट लेते हैं तो मैं इसको वीडियो कम बनाता हूँ, बाकी मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ICT आपके लिए, क्योंकि ICT का 60% मैटर आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग में मिल जाता है। तो अगर जिनको पसंद है या कोई इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगी उनके लिए। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 में हमने रखा है इसमें, तो टॉपिक नंबर 3 में है इसमें आपका ऑडियो फंडामेंटल है, ऑडियो फंडामेंटल एंड रिप्रेजेंटेशन, ऑडियो के बारे में, ऑडियो फाइल जितनी भी आपकी आएंगी वो इस टॉपिक के अंदर आएंगी। टॉपिक नंबर 3 में ऑडियो के कंप्रेशन, ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो, इंटरनेट ऑडियो और एडिंग साउंड, मल्टीमीडिया, मिडी ऑडियो, ऑडियो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें बेसिकली आपको क्या है, टॉपिक नंबर 3 में थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो इसमें टोटल आपकी ऑडियो फाइलें आएंगी जिसमें कि आपकी मिडी फाइल आएगी, वेव फाइल आएगी और जितनी भी प्रकार की ऑडियो MP3 फाइल आएगी। तो जितनी प्रकार की ऑडियो फाइलें हैं उनका कंप्रेशन, उनका एडिटिंग, उनका मिक्सिंग, कटिंग, जो भी चीज़ें हैं उनको मल्टीमीडिया में किस प्रकार से यूज़ करना है, उनके ड्राइवर हो गए और उनकी साउंड क्वालिटी और उनकी फाइल फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी बेसिकली पूछी जाती हैं टॉपिक नंबर 3 में, जो कि आपका ऑडियो फंडामेंटल का दिया गया है। तो बेसिकली इसमें यही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैंने फाइल आपको बता दी, उन्हीं 3 फाइल फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन बनते हैं, वेब, MP3 और मिडी फाइल के ज़्यादातर आपके देखने को मिलते हैं, MIDI, इसको जरूर तैयार कर लें, ये फाइल आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली MP3 के बारे में आप लिख सकते हैं अपने तरह से भी, और मिडी फाइल के बारे में आप सर्च करें, नहीं मिलता आंसर तो आपको वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर टॉपिक में हमारे पास है इमेज फंडामेंटल एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें जो आपका टॉपिक आएगा पूरा इमेज के ऊपर है, जिसमें कि JPG, BMP, GIF, PNG और TIFF, 2D 3D कलर, RGB, गामा करेक्शन है, डेजिंग टूल है, कंप्रेशन टूल है, फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग और ट्विनिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो कि क्वेश्चन आपके बनते हैं बेसिकली इन्हीं टॉपिक पे। TIFF बहुत कम केस में, 2D 3D बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गामा करेक्शन, RGB कलर हो गया आपका, इमेज कंप्रेशन हो गई, ट्विनिंग और मॉर्फिंग इसमें होती है, मॉर्फिंग भी लिख लें, नीचे हो सकता है दिया हो लेकिन हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं यहीं पे, ट्विनिंग मॉर्फिंग ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमेज फॉर्मेट में। और इससे रिलेटेड एक दो और होते हैं तो भी हो सकता है यहाँ पे आपको मॉर्फिंग की जगह वीडियो कंप्रेशन में। तो इसमें बेसिकली इमेज आपसे पूछा जा सकता है JPG के बारे में, JPG किस प्रकार की फ़ायदा, तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए इसका फुल फॉर्म लिख लें, फुल फॉर्म आपको सारे इमेज फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट के आपको पता होना चाहिए, जो कि 2 लाइन का आंसर आप इसी से लिख सकते हैं। और किस प्रकार से वर्क करती है, कंप्रेशन होने के बाद इस पर क्या इफेक्ट होता है और इसके मतलब आप कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस में यूज़ करते हैं और किस प्रकार की ये आपकी एक्सटेंशन फाइल है, ये चीज़ें आपको इसमें
पता होना चाहिए बेनिफिट क्या है इसके, कंप्रेस करने के बाद क्या इसमें इफेक्ट आएगा, लूसीलेस है कि लॉसलेस है, ये चीज़ें आपके आपकी बेसिकली पूछी जाती हैं। और कितने बिट का होता है ये सारी चीज़ें, जैसे कि सबका अलग अलग डिफरेंट बिट साइज है और उनके डॉट पर इंच होते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग है। उसके बाद गामा करेक्शन आपका कलर से रिलेटेड है, तो आरजीबी कलर के बारे में आपको रेड ग्रीन ब्लू के बारे में बताना चाहिए। गामा करेक्शन जैसे कि फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो उसमें करेक्शन होता है, उस कलर का एडिटिंग मिक्सिंग होती है, वो आपका ये गामा करेक्शन है। तो थोड़ा सा टॉपिक है इसमें समझने लायक, उसका सारा कंप्रेशन क्या है, उसका एडिटिंग में जो टूल्स आपके यूज होते हैं जैसे कि ट्यूनिंग क्या है, ब्लरिंग क्या है, मॉर्फिंग है, उसमें एडिटिंग जिसे करते हैं फोटोशॉप पे, वो उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपका इसमें पूछा है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उठा कर अगर आप देखेंगे उसमें एडिटिंग वाले सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आपका पीडीएफ सॉफ्टवेयर है तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन फोटोशॉप या अदर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे तो उसमें एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में जाएंगे। जब आप इमेज ऐड करेंगे तो सारे मेन्यू ओपन हो जाएंगे, उस मेन्यू को आप तैयार कर लें, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये था आपका इमेज का टॉपिक नंबर 4। नंबर 5 लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो कि है तीन ही चीज़ आपके मल्टीमीडिया में आते हैं, वीडियो ऑडियो और आपका इमेज, तीन चीज़ आपके मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। तो पांचवा टॉपिक इसमें हमारा है वीडियो एंड एनिमेशन। तो इसमें आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट जितनी सारी पता होनी चाहिए। MP4 हो गई आपकी एक, तो MPEG इसके वर्जन है 1, 2, MPEG 1, MPEG 2, 4, 7 और 21। तो ये आपको पांच वर्जन दिए गए, पांचों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद वीडियो का कंप्रेशन है, वीडियो की ब्रॉडकास्टिंग जो आप लाइव करते हैं और जो प्रसार होती है आपको टीवी टेलीविजन पे, और एनालॉग वीडियो, डिजिटल वीडियो, सेल एनिमेशन, मॉर्फिंग और ऑथरिंग टूल। तो ये आपके हैं बेसिकली टॉपिक नंबर 5 में, इनको देख लेते हैं। तो सेम यही है आपका जैसा इमेज का और ऑडियो का है, वीडियो की कंप्रेशन, उसकी फाइल फॉर्मेटिंग किस प्रकार से यूज़ होती है, और ब्रॉडकास्टिंग एनालॉग में आपका क्या है, लाइव वगैरह जो करते हैं आप, या वीडियो टेलीकास्ट होती है आपका इस उस पर सेटेलाइट के माध्यम से, तो वो किस प्रकार का प्रोसेस है उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तो इसको अपने आप भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, सारे बेसिक से क्वेश्चन। बाकी ये एनिमेशन पे है, ये सर एनिमेशन हो गया आपका, बाकी जो आप प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं उसमें जो एनिमेशन करते हैं, स्लाइड ट्रांजिक्शन, ये चीज़ें इस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके टॉपिक नंबर 5 वीडियो एनिमेशन और आपके मल्टीमीडिया में। तो यही थे बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन्हीं को आपको पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएगा उनको देख लेंगे तो आपको 80% पूरा पूरे आंसर आपको 90% मिल जाएंगे। और अगर इनमें से किसी आंसर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लें, अभी आपके पास समय है, बुक है तो बुक में ये टॉपिक टिक कर लें और उनको हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टॉपिक लंबा है और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसके आंसर हैं। तो इसको मैं इसकी PDF आपको मिल जाएगी वीडियो को।